हेलो एंड वेलकम बैक टू वाणिज्य एजुकेटर। मैं मुस्कान चौरसिया और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज राइट स्ट्रीम। जैसे कि 10th के बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं और आप सबके माइंड में एक कॉन्स्टेंट क्वेश्चन आता रहता होगा कि हम किस स्ट्रीम को चूज करें, किस स्ट्रीम को ना चूज करें, या कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बेटर है, कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रीम को चूज करें जिससे कि हमारे को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे स्टडी में, क्योंकि ये शायद आपकी लाइफ का फर्स्ट डिसीजन होगा जिसके बेस पे आपकी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। आप अगर एक अच्छी स्ट्रीम चूज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टडी करने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम अपनी स्ट्रीम को कैसे चूज करें। अभी तक आपने 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे आप चेक करो कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्लास 10th में कौन कौन से हमने सब्जेक्ट्स किए हैं। सबसे पहले हमने किया हिंदी, फिर हमने पढ़ा था इंग्लिश, नेक्स्ट हमने पढ़ा था साइंस, उसे नेक्स्ट हमने पढ़ा था SST और लास्ट हमने पढ़ा था मैथ्स, जिसमें से कि हमारे पास इंग्लिश और जो हिंदी है हमारा क्या था, लैंग्वेज सब्जेक्ट था। साइंस के 3 पार्ट्स जो थे वो डिवाइडेड थे, एक था फिजिक्स, एक था केमिस्ट्री, एक था बायोलॉजी। SST 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था जिसमें हमारे पास था हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन सारे सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही आगे की चारों स्ट्रीम्स जो है वो डिपेंड करती है। वैसे 3 स्ट्रीम्स भी कह सकते हैं बट वो 4 स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि साइंस आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ह्यूमैनिटीज, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कॉमर्स, उसके बाद आते हैं हमारे पास साइंस स्ट्रीम। साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो है नॉन मेडिकल, एक है मेडिकल। तो हमारे पास ये 4 स्ट्रीम्स बनती है। इन 4 स्ट्रीम्स में से हम कैसे चूज करें कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपको चूज करनी है अपनी स्ट्रीम तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन जब आप करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। अब आप ये सोचो कि इंट्रोस्पेक्शन होती क्या है। इंट्रोस्पेक्शन होता है डीपली किसी चीज को एनालाइज करना। आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। पास्ट के बेसिस पे आप अपने प्रेजेंट को एनालाइज करो और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो, वही इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन के स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप इंट्रोस्पेक्शन करें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ये आपके पास 4 स्ट्रीम्स हैं, चारों में आपको 5 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट्स आपके पास हर जगह रहेंगे। कहीं स्कूलों में 6 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि KV, वहां पे 2 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ले लेते हैं लैंग्वेज के, या फिर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, जिससे कि क्या रहता है कि आपकी जो परसेंटेज है वो बैलेंस रहे। कहीं जगह 5 सब्जेक्ट होता है, कहीं जगह 6, मैक्सिमम 5 ही होते हैं। और जो आपकी परसेंटेज काउंट होती है वो 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे होती है, और वो 5 मेन सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के अपने 5 में से 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक लैंग्वेज का होता है, एक ऑप्शनल होता है सब्जेक्ट। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएगा, एक लैंग्वेज का होगा, और 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले ह्यूमैनिटीज में आ जाते हैं आपका सिविक्स, जिसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री, फिर आता है ज्योग्राफी। किसी स्कूल में ज्योग्राफी होता है तो किसी स्कूल में इकोनॉमिक्स होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट हर जगह रहता है, एक ऑप्शनल आ जाता है जिसमें फिजिकल एजुकेशन हो जाता है, कहीं स्कूलों में IT होता है, कहीं स्कूलों में आपका म्यूजिक होता है, और भी बहुत सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि आपको लेना होता है, इसमें ऑप्शंस दी गई होती है। और कहीं स्कूलों में यहाँ पे ऑप्शन में मैथ्स भी दे रखा होता है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स भी ऑप्शन में आ जाती है। मैथ्स ऑप्शन में नहीं जाता बल्कि मैथ्स इको के साथ ऑप्शन में आ जाता है। मैथ्स जो है ना वो इको के साथ ऑप्शन में आ जाता है, ना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में जाता है। कॉमर्स है, कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट रहता है आपका अकाउंटेंसी, नेक्स्ट रहता है आपका बिजनेस स्टडीज, उसे नेक्स्ट रहता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स का ऑप्शन रहता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट एक रहेगा ही रहेगा जो कि इंग्लिश होगा। फिर यही सेम जो है सब्जेक्ट जो है वो कॉन्टिन्यू हो जाते हैं।
ये लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके सिमिलर रहेंगे और ऑप्शनल भी सिमिलर रहेगा, लैंग्वेज यहाँ पे भी सिमिलर रहेगा और ऑप्शन यहाँ पे भी सिमिलर रहेगा। सिर्फ तीन मेन मेन सब्जेक्ट्स जो है वो चेंज होते हैं। नॉन मेडिकल में आ जाता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और यहाँ पे मेडिकल में आ जाता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं मेजर, और बाकी यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हर स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से उन्होंने ऑप्शंस रखे हैं, तो आप ऑप्शंस में से ले सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश रहते ही रहता है। अगर कहीं स्कूलों में जो छह सब्जेक्ट का रहता है उसमें एक और वो लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि होता है हिंदी, जो कि ज्यादातर केवी स्कूलों में रहता ही रहता है और भी बहुत सारे स्कूलों में रहता ही होता है। तो अब हम देखते हैं कि आपको कैसे चेक करना है कि आप कौन से स्ट्रीम ले। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सारे क्लियर हो गए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट या अपनी स्ट्रीम्स को, जब भी अपनी स्ट्रीम को चूज करें, तो सबसे पहले आप एक चीज चेक करें कि आप क्लास 10 तक कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। आप सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम को प्लीज मत चूज करें। आप क्या करते हैं, आप लोग सोचते हो कि कौन से सब्जेक्ट में हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, उस सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। लाइक अगर आपके मार्क्स एसएसटी में ज्यादा आते हैं तो आप सोचते हो ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया साइंस का हो लेकिन साइंस में आपके मार्क्स कम आते हो, तो आपको ये लगता है कि साइंस पढ़ना है तो अच्छा लगता है लेकिन मार्क्स नहीं आते तो साइंस नहीं लेते। तो मैं ये चीज आपको एडवाइस करूंगी कि आप मार्क्स के बेसिस पे प्लीज स्ट्रीम मत चूज करें, आप अपने इंटरेस्ट एरिया के बेसिस पे चूज करें, क्योंकि जहां पे आपका इंटरेस्ट एरिया होगा ना वहां पे आपकी क्रिएटिविटी डेफिनेटली होगी, लेकिन जहां आपको आप मार्क्स के बेसिस पे जाओगे ना वहां पे जरूरी नहीं कि आपकी क्रिएटिविटी हो ही हो। तो अगर आप मार्क्स के बेसिस पे जाओगे तो डेफिनेटली आपको एक सही स्ट्रीम नहीं मिल पाएगी। अगर आपको साइंस पसंद है, साइंस में बायोलॉजी पसंद है, तो डेफिनेटली आप मेडिकल साइंस ले लो। मेडिकल साइंस में आपकी क्रिएटिविटी भी रहेगी, आपको क्रिएटिविटी इज मोर लाइक आपकी थिंकिंग एबिलिटी। आपने कोई स्ट्रीम चूज करी, अगर आपको क्रैम करना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि वो स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। आपको आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी होने से बेनिफिट क्या रहेगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। जितनी अच्छी आपकी थिंकिंग एबिलिटी होगी उतनी ही अच्छी आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी। मार्क्स भले ही किसी स्ट्रीम में थोड़े से कम आ जाए लेकिन अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपका करियर ऑप्शन बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा लाइक करते हैं और आपको पता है कि आपके मैथ्स में भी मार्क्स अच्छे रहते हैं, साथ के साथ आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी है। यहाँ पे मैंने मार्क्स का पॉइंट इसलिए एड ऑन किया है क्योंकि अल्टीमेटली जब आप प्लस टू में जाओगे, प्लस टू की आप प्रिपरेशन करोगे, तो मार्क्स बहुत वेरी करते हैं क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो स्मार्टली आप अपनी स्ट्रीम को चूज करो। नो डाउट सब्जेक्टिव होना भी जरूरी है, साथ के साथ मार्क्स को भी चेक करके चलना जरूरी है कि आपके मार्क्स किस में ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। अगर आपको पीसीएम पसंद है तो आप पीसीएम यानी कि नॉन मेडिकल ले लें, और आगे आप ये नहीं कि आपने नॉन मेडिकल ले लिया तो दैट विल बी डन कि मतलब अब हो गया, इससे आगे नहीं। आपको साथ के साथ ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको बीएससी करनी है, आपको बीई करनी है, या आपको और कुछ क्रिएटिव अदर कोर्स करना है आपको, तो ये सारी चीजें आपको अंडरस्टूड पहले से होनी चाहिए नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल में भी आप सोचते हैं बीटेक मतलब इंजीनियरिंग, नहीं, बीटेक में भी आपको मतलब बहुत सारे आगे चल के ऑप्शंस हैं। आजकल न्यू ऑप्शंस आ गए, वही दो चार आप सोचो मैकेनिकल, आईटी या सीएससी, सिविल, वो सब नहीं रहेगा, उससे भी आगे बहुत सारी वास्ट चीजें जैसे केमिकल साइंस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, माइनिंग में होती है, एग्रीकल्चर में बीटेक होने लगी है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपको ये ऑप्शंस देख के चलना होगा। नेक्स्ट आता है अगर आपकी एसएसटी का पार्ट बहुत अच्छा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साथ में इकोनॉमिक्स, आपको पता है कि बहुत अच्छा है। आप ये चीज मत सोचना कि हम 90 प्लस वाले स्टूडेंट हैं, हमारे तो 10th में 90 प्लस आए, अगर मैं ह्यूमैनिटीज लूंगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। डोंट थिंक, मेरा ये मानना है इन चारों स्ट्रीम में से सबसे ज्यादा टिपिकल अगर कोई स्ट्रीम है दैट इज ओनली एंड ओनली ह्यूमैनिटीज। द रीजन बिहाइंड हिस्ट्री पूरा लर्निंग कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई भी चीज आप ऐसा नहीं है कि आप अपने आप सोच लोगे, समझ लोगे, अपनी क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, आपको सब याद करना पड़ेगा। पॉलिटी ऑलमोस्ट याद करना पड़ता है, ज्योग्राफी वो भी याद करने वाली चीज है, इकोनॉमिक्स अगर लोगे इकोनॉमिक्स समझने वाली चीज है, लेकिन अगर आप दो या तीन सब्जेक्ट्स लर्न करने वाला कर रहे हो तो एक दो सब्जेक्ट आपके पास ऐसे भी होने चाहिए जो कंसेप्ट बेस्ड हो, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का एक आ ही जाएगा, फिजिकल एजुकेशन तो है ही है।
तो ये चीज मत सोचो कि आप 90%+ वाले स्टूडेंट हो, 80%+ वाले प्लस स्टूडेंट हो तो आपको मेडिकल ही लेनी चाहिए, नॉन मेडिकल ही लेनी चाहिए। तो ऐसा मत सोचो, आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है आप उसकी तरफ फोकस करो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज से आगे बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट एग्जाम में ह्यूमैनिटीज ज्यादा, चाहे वो SSC के पेपर हो चाहे वो UPSC के पेपर हो। अब लास्ट अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रीम बचती है वो है कॉमर्स। आप सोचते होंगे कि 90%+ है तो मेडिकल ले लो, 80%+ आएगी तो नॉन मेडिकल ले लो, और अगर आपके 70%+ है तो कॉमर्स ले लो, 60% वाले है तो ह्यूमैनिटीज ले लो। इस थिंकिंग को छोड़ दो, ये थिंकिंग इज, दिस थिंकिंग इज नॉट द राइट थिंकिंग टू टेक डिसीजन ऑफ चूजिंग योर स्ट्रीम। मैं नहीं मानती कि वो एक राइट तरीका या राइट पाथ है। तो अगर आप कॉमर्स की तरफ जा रहे हो तो कॉमर्स वो लोग लो जिन लोगों को ये पता है कि हमें कुछ नया सीखना है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जीना है। एक्चुअल में कॉमर्स इज द ओनली स्ट्रीम जो प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए कहती है। जो लोग प्रैक्टिकली जीना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमें हर चीज को फील करना है, हर चीज को माइंड में लेके चलना है, मार्केट में क्या चीज चल रही है, किस तरीके से काम किए जाते हैं, किस तरीके से सिनेरियो चलता है, मतलब इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, तो आप कॉमर्स लो। कॉमर्स लेने का क्या फायदा है, ये सब्जेक्ट आपने अब तक कहीं नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ एक इकोनॉमिक्स एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपने पढ़ा है जो कि है आपके पास 10th क्लास में। तो इकोनॉमिक्स अगर आप लोगे, इकोनॉमिक्स आपको पता चलेगी जब आप प्लस वन प्लस टू में पढ़ोगे कितनी वास्ट है। अब साथ में इकोनॉमिक्स के साथ ही मैथ्स भी है ऑप्शन में, तो मैं आपको बताऊं अगर आप कॉमर्स लेते हो, कॉमर्स बिना इकोनॉमिक्स के सेंसलेस है। मैथ्स नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि मेरा चैनल है वाणिज्य एजुकेटर, यानी कि कॉमर्स एजुकेशन पे बेस्ड है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी प्लस टू के बाद, प्लस टू कॉमर्स के एग्जाम देने के बाद कौन कौन से आपके पास करियर ऑप्शन है। और मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप कॉमर्स ले रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स नहीं होगी क्योंकि कॉमर्स में इकोनॉमिक्स एंड तक चलती है, मैथ्स इतना नहीं चलता, मैथ्स एक बेसिक लेवल तक चलता है। प्रोफेशनल कोर्स करना है, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कोई आपने कोर्स करना है तो आप मैथ्स ले लो, लेकिन मैथ्स आप एडिशनल ले लो तो ज्यादा बेटर होगा। और एडिशनल सब्जेक्ट में आपको कहूंगी कि आप ऐसा ना करें कि आप एडिशनल सब्जेक्ट्स उठाना शुरू कर दें, जिससे कि क्या करें आप अपनी स्ट्रीम को कॉम्प्लेक्स कर दें। स्ट्रीम को कॉम्प्लेक्स मत करो, जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ो, बेसिक को लेके चलो और अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर करो, तो आपके मार्क्स प्लस टू में भी अच्छे आएंगे, साथ ही साथ आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके जहां बेसिक क्लियर हो जाएंगे वहां आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। तो कॉमर्स अगर आप लेना चाहते हो, मतलब आपको कुछ नया सीखना है, तो आप कॉमर्स लो, क्योंकि कॉमर्स आपने नहीं पढ़ा होगा। अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी आपने अभी तक 10th तक नहीं पढ़ी, आपके लिए टोटली न्यू है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगी अगर आप ये सारे की सारी चीजें एनालाइज कर लो, मार्क्स के बेसिस पे एनालाइज नहीं करना, सब्जेक्ट के और इंटरेस्ट के बेसिस पे एनालाइज करो कि कौन से सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही साथ मार्क्स को तब सोचो जब आप ये सोचो कि प्लस टू में हमारे को इस तरीके से इतने स्कोर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। और यही आपकी इंट्रोस्पेक्शन है, इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, अपनी राइट स्ट्रीम को चूज करो। और ये सारी के सारे इन चारों स्ट्रीम में से कोई भी आप स्ट्रीम चूज करो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस इसलिए क्योंकि आपको पहले 4-5 मंथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि 10th तक आपने जितना पढ़ा है वो उतना सफिशियंट नहीं होता, और प्लस वन प्लस टू में जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, 10th तक बहुत कम सिलेबस होता था, तो आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हो, जिस रीजन से आपको लगता है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। प्लस वन में मार्क्स कम आने का सबसे बड़ा रीजन यही रहता है, क्योंकि आपके लिए हर सब्जेक्ट हर स्ट्रीम नहीं होती है, तो आप उस पर टाइम दो, फोकस करो। प्लस टू में आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे, क्योंकि प्लस वन में आपके कंसेप्ट जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। तो आपको अगर ये हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, लेकिन आप अगर अपनी स्ट्रीम को चूज करो तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को प्लीज माइंड में रखना और आप उसके बाद चूज करना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, एंड थैंक यू।